नमस्ते, टेरीज किचन में आपका स्वागत है। आज हम घुंघुड़ा के पत्ते से आंध्रा का फेमस घुंघुड़ा की पचड़ी बनाएंगे, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए इसे बनाते हैं। मैंने यहाँ घुंघुड़ा का पत्ता लिया है, जिसके डंठल को मैंने निकाल दिया है, सिर्फ इसके पत्ते को लिया है और इसे दो पानी अच्छे से धो लिया है। लहसुन, करी पत्ता, लाल मिर्च, चना दाल, उड़द दाल, सरसों, मेथी, धनिया, जीरा, हींग, नमक और तेल लिया है। कढ़ाई में एक चम्मच धनिया, एक चम्मच जीरा, आधा चम्मच मेथी और लाल मिर्च डालेंगे। इसे मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट भूनेंगे। मसाला भुन गया है, अब हम फ्लेम को बंद करेंगे और इसे प्लेट में निकाल लेंगे। इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे। कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डालेंगे और इसे गर्म करेंगे। तेल गर्म हो गया है, इसमें घुंघुड़ा के पत्ते को डालेंगे। इसे मिक्स करेंगे और पत्ते को गलने तक मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। इसे गलने में 3 से 4 मिनट लगे हैं, इससे ज्यादा अब हम इसे नहीं पकाएंगे और फ्लेम को बंद कर देंगे। इसे अब थोड़ा देर ठंडा होने के लिए रख देंगे। मसाला ठंडा हो गया है, इसे हम मिक्सी के जार में डालेंगे। और इसे पीस लेंगे। घुंघुड़ा का पत्ता भी ठंडा हो गया है, इसे भी हम मिक्सी के जार में डालेंगे और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। इसे पीस लेंगे। कढ़ाई में 4 चम्मच तेल डालेंगे और इसे गर्म करेंगे। तेल गर्म हो गया है, इसमें 1 छोटा चम्मच सरसों, 1 चम्मच जीरा, 2 चम्मच उड़द की दाल, 1 चम्मच चना दाल, करी पत्ता, लाल मिर्च और लहसुन डालेंगे। इसे 1 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। इसमें हम पेस्ट डालेंगे। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है और इसे मिक्स करेंगे। इसमें हम 1 चुटकी हींग डालेंगे। इसे मिक्स करेंगे। इसे 2 मिनट मीडियम फ्लेम पे और पकाएंगे। देखिए इसका कलर कितना खूबसूरत आया है और ये साथ में तेल भी छोड़ दिया है। इससे ज्यादा इसे नहीं पकाएंगे और फ्लेम को बंद कर देंगे। घुंघुड़ा की पचड़ी तैयार है। धन्यवाद।